गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन C++ प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम इज राइट ए प्रोग्राम स्वैप ऑफ टू नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल। देखो, हमने कल प्रोग्राम किया था स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। उसमें जो लॉजिक लगाया था ए की वैल्यू बी में, उसमें तीन वेरिएबल लिए थे और तीन वेरिएबल की हेल्प से हमने स्वैपिंग किया था। अगर आपको वो देखना है तो प्रीवियस वीडियो आप रन करके प्ले करके आप देख सकते हैं। जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो बिना तीसरे वेरिएबल की हेल्प के बिना हम इंटरचेंज करेंगे ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में। सपोज करो ए की वैल्यू क्या है 10, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, बी की वैल्यू क्या है 10, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो ए की वैल्यू तो हम क्या किस में डाल देंगे बी में, और बी की वैल्यू किस में डाल देंगे ए में। ऐसा हम कोई लॉजिक लगाएंगे और उसकी हेल्प से क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे ए इंटू बी और बी इंटू ए। आप सभी को पता है ये क्या है, ये आपकी ये हेडर फाइल है। ये क्या है, आपकी हेडर फाइल है, लिख देते हैं यहां पे। तो आप सभी को पता है इनका काम क्या होता है, हैश का मतलब क्या होता है, प्री प्रोसेस। ये पहले से प्री प्रोसेस की जा चुकी है, आईओ स्ट्रीम मतलब ये फाइल कंपाइल की जा चुकी है, पहले से रन की जा चुकी है और इनकी फंक्शनलिटी हम अपने प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। इनकी दो फंक्शनलिटी है, एक तो कौन सी आपकी सी आउट और एक कौन सी आपकी सीन। सी आउट का काम क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को या किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना, और सीन का क्या काम होता है, इनपुट कराना। एक बार सी आउट का देख ले, कोई भी स्टेटमेंट आप अगर आपको प्रिंट करानी है तो पहले क्या लिखेंगे सी आउट, फिर ये आपका आउटपुट ऑपरेटर, डबल कोट में कुछ भी डालेंगे तो वो वैल्यू आपकी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू प्रिंट करानी किसी वेरिएबल की, सपोज करो ए की वैल्यू क्या है 10, तो सी आउट और सीधे उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यहां से क्या आपको डिस्प्ले हो जाएगा 10। किसी की वैल्यू इनपुट करानी है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं सी इन, और ये आपका इनपुट ऑपरेटर और वेरिएबल का नेम। तो डायरेक्ट आप कोई भी वैल्यू रन टाइम पे डालोगे तो यहां ए वेरिएबल में वो पुट हो जाएगी। अब बात हमारी ये नहीं है कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कौन सी वैल्यू इनपुट हो जाएगी, अब बात ये है इंटरचेंज द वैल्यू। लॉजिक देखिए, देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये क्या है आपके वेरिएबल, दीज आर वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल है, ए बी क्या है आपके वेरिएबल है, किस टाइप के हैं इंटीजर टाइप के, और आपको पता है इंटीजर में कैसी वैल्यू स्टोर होती है। अब क्या है, सबसे पहले आपका एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, आपके पास मैसेज क्या आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज करो आपने क्या डाला 10, तो ए में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी आपकी 10 स्टोर हो जाएगी। फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा, जो भी आप रन टाइम पे डालोगे तो सीन उसको इस वेरिएबल के अंदर, इस ए वेरिएबल के अंदर इनपुट करा देगा। फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी, सपोज करो आपने क्या डाला 20 डाला, तो 20 किस में स्टोर हो जाएगा बी में। सीन का क्या काम होता है इनपुट कराना, तो बी में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 20, ए में तो 10 स्टोर हो गया, बी में आपका क्या हो गया 20 स्टोर हो गया। अब आगे देखिए, जो हमारा लॉजिक हमने लगाया है, जो लॉजिक लगाया है ये लॉजिक को हम देखेंगे। देखो ए बराबर है ए प्लस बी, ए बराबर है ए प्लस बी। देखो ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, तो ए में वैल्यू क्या होगी 30। अब ए में वैल्यू 10 नहीं है, ए में वैल्यू क्या है 10 की जगह रिप्लेस क्या होगी, ए में वैल्यू 30 होगी। बी बराबर है ए माइनस बी, देखो ए की वैल्यू अब 10 नहीं, मैंने बताया था अभी ए की वैल्यू क्या होगी 30, 30 माइनस बी की वैल्यू क्या है भाई 20, तो बी में क्या वैल्यू होगी आपकी 10। अब देखो भाई बी में वैल्यू 10 हो चुकी है, ए बराबर है ए माइनस बी, ए की वैल्यू अभी भी क्या है 30, और बी की वैल्यू देखो क्या होगी, अब बी की वैल्यू 20 नहीं है, बी की वैल्यू क्या होगी 10, 30 माइनस 10, तो ए में वैल्यू आपकी क्या होगी 20। देखो बी में तो वैल्यू क्या होगी 10 और ए में वैल्यू क्या होगी 20, हो गया भी इंटरचेंज, हम यही तो चाहते थे ए में तो वैल्यू क्या हो जाए 20, बी में वैल्यू क्या हो जाए 10। इस लॉजिक की हेल्प से
हम क्या कर सकते हैं विदाउट थर्ड वेरिएबल चेंज इंटरचेंज कर सकते हैं ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में। अब देखिए आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू प्रिंट करा दे, यहां से वैल्यू क्या प्रिंट होगी 20 प्रिंट होगी और यहां से वैल्यू बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 10। इस तरह हम क्या कर सकते हैं ए की वैल्यू बी में चेंज कर सकते हैं, बी की वैल्यू ए में चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट ए प्रोग्राम एंट्री नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स एंड सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। देखो कोई भी आपको तीन नंबर का एक डिजिट इनपुट कराना है, जैसे 452321, मतलब कितने नंबर का डिजिट होना चाहिए, केवल थ्री नंबर, मतलब 100 और 999 के बीच का ही नंबर होना चाहिए, थ्री डिजिट का नंबर होना चाहिए, तभी ये प्रोग्राम आपका काम करेगा। सपोज करो आपने क्या नंबर डाल दिया 321, जो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का सम हो जाए, इन दोनों का क्या हो जाए सम, आंसर क्या आ जाए आपका 4। फर्स्ट डिजिट क्या है 3, लास्ट डिजिट क्या है 4, मतलब कोई भी आप नंबर डाल सकते हैं 100 से लेकर 999 तक, कोई भी आप थ्री डिजिट का नंबर डाल सकते हैं, उसमें फर्स्ट डिजिट का और लास्ट डिजिट का सम हो जाएगा। चलो हम लॉजिक देखते हैं। दीज आर हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम एंड कोनियो डॉट एच। मेन क्या है आपका फंक्शन है, जिसकी रिटर्न टाइप क्या है वॉइड। यहां पर हमने कुछ वेरिएबल लिए, दीज आर वेरिएबल नम फर्स्ट लास्ट सम, दीज आर वेरिएबल विच टाइप इंटीजर टाइप, और आप सभी को पता है इनमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। एंट्री नंबर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, आपके पास मैसेज क्या आएगा एंटर ए नंबर। आपने सपोज करो क्या डाला 321, तो नम में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 321, यहां तक एग्री हो, नम में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी आपकी 321। अब हमने एक लॉजिक लगाया, देखो हम एक एनालाइज करेंगे, फर्स्ट नंबर कैसे मिले, लास्ट नंबर कैसे मिले। देखो ये ऐसे ही मिल सकता है, 321 को डिवाइड कर दो 100 से, 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3। अब लास्ट नंबर कैसे मिले 321 मॉडुलस 10, ये होता है आपका रिमाइंडर ऑपरेटर, ये आपका रिमाइंडर ऑपरेटर होता है C++ में। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप इस सिंटेक्स का यूज करते हैं रिमाइंडर के लिए, इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। 321 मॉडुलस 10, तो यहां से क्या आ जाएगा 1। 321 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1। देखो फर्स्ट डिजिट भी मिल गया, लास्ट डिजिट, सबसे पहले आपको माइंड में क्या एनालाइज करना है भाई, पहला डिजिट कैसे आए और लास्ट का डिजिट कैसे आए। पहला डिजिट तो तभी आ सकता है, तीन नंबर का अगर कोई डिजिट है तो उसको 100 से डिवाइड कर दें तो ये पहला डिजिट आ जाएगा। अब लास्ट डिजिट कैसे आ सकता है, इसका 32 कोई भी नंबर हो, 3 उसका मॉडुलस 10 कर दें तो ये लास्ट डिजिट आपका आ जाएगा। अब देखो हमने प्रोग्राम में क्या किया है, फर्स्ट नम में वैल्यू क्या थी 321, देखो क्या था नम डिवाइड बाय 100 और नम की वैल्यू क्या है 321, वो डिवाइड कितने से कर दो 100 से, तो क्या आएगा फर्स्ट में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फर्स्ट में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 3, एग्री हो। फिर क्या अगर आपको लास्ट निकालना है, लास्ट निकालना है, लास्ट के लिए हमने क्या लॉजिक लगा रखा है नम, नम की वैल्यू क्या है 321 मॉडुलस 10, मतलब 321 को 10 से डिवाइड करो और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो लास्ट में क्या वैल्यू स्टोर होगी 1। देखो ये आपका 3 भी आ गया और 1 भी आ गया, 3 किसको असाइन हो गया, 3 किसको असाइन हो गया फर्स्ट को, 1 किसको असाइन हो गया लास्ट को, फर्स्ट के पास क्या है 3, लास्ट के पास क्या है 1, इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे फर्स्ट प्लस लास्ट, और किसको असाइन कर देंगे सम को, सम में क्या वैल्यू आ गई, सम में वैल्यू आ गई आपकी 4, सम की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स सम की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। इस तरह हम क्या कर सकते हैं एक तीन नंबर का डिजिट का फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम कर सकते हैं। आपका जो होमवर्क है, आपको जो करना है, अब तीनों नंबर का सम कर दो। हमने क्या किया था भाई, फर्स्ट और लास्ट डिजिट सम किया था तो क्या आया था 4, तीनों नंबर का सम करेंगे 3 प्लस 2 प्लस 1 तो क्या आएगा 6 आ जाएगा।
कोई भी आप थ्री डिजिट का नंबर ले ले, उन तीनों नंबर को, तीनों डिजिट्स को हम क्या करें, सम कर दें। आप कोशिश करना, इसी तरह आएगा। बस आपको पहला और लास्ट तो आपने निकाल ही रखे हैं, अब ये बीच बीच का निकालना है। ये आप एनालाइज करके देखना कैसे निकलेगा, किससे डिवाइड होगा, ऐसा कुछ डिवाइड करना या मॉडुलस निकालना, ऐसा कोई आप लॉजिक लगाओगे तो आपका डिवाइड, जो आपका होमवर्क है वो क्या है, एक थ्री डिजिट्स का नंबर आपको इनपुट कराना है और उनके तीनों ही डिजिट आपको क्या कराने, सम कराने। फॉर एग्जाम्पल आपने 452 करा दिया तो आंसर क्या आना चाहिए, 4 + 5, 5 + 2, आंसर आना चाहिए 11। तो ये आप जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जितने आप प्रोग्राम करोगे उतनी आपकी C++ पे पकड़ होगी, और जो मेन आपकी कंप्यूटर साइंस की जो पकड़ होती है, जिस बच्चे को प्रोग्रामिंग आती है मतलब वो अच्छा अचीवमेंट करता है, तो प्रोग्रामिंग करके देखिए आप थोड़ा सा समय देंगे तो आपको एक अच्छी प्रोग्रामिंग आएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।